वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ संध्या राय। आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 4, कंप्यूटर एडिटिंग इन वर्ड। टॉपिक हमारी आज की है इंसर्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स क्या होता है, उस एक नया कोई चीज़ लाना। तो इंसर्ट में क्या, यू कैन इंसर्ट न्यू टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। जहाँ भी आप नए टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कर्सर को वहाँ राइट साइड में। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखाऊँ कि अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है कोई चीज़, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ इंसर्ट करना है, तो हम कर्सर को यहाँ लाएंगे, ठीक, और क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या, स्टार्ट टाइपिंग द न्यू टेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक। डिलीटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अगर डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, यू कैन डिलीट आर रिमूव द कैरेक्टर वर्ड आर पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट। To delete a character, place the cursor to its right. Cursor को right side में रखेंगे and press the back space. Right side में रख के जब back space की को हम दबाते हैं तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें delete हो जाती है, इस side में cursor रहेगा, ठीक। और यदि place the cursor to its left and press the delete, और if यदि आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो, ठीक, तो अब अगर ये कर्सर यहाँ, तो सबसे पहले कर्सर रखेंगे, ठीक, जहाँ से डिलीट करना हो वहाँ पे रखेंगे। अब बैक स्पेस में क्या है, लास्ट में रखते हैं, कहीं भी वर्ड हो तो राइट साइड यानी लास्ट में रख के बैक स्पेस को क्लिक करते हैं। और डिलीट की से अगर हमें उसे हटाना है तो उस कंडीशन में हम उसे लेफ्ट साइड में, इस साइड में रखते हैं, और यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें डिलीट होती हैं। To delete a word, press the cursor to the right of the word. अब word में भी वही चीज़ है कि क्या करते हैं, right side ही रखते हैं the word and press the control plus backspace keys together. You can also place the cursor to the left of the word and press the control plus delete key. Delete key के लिए left side में रखते हैं delete के लिए, और बैक स्पेस के लिए वो क्या रखते हैं, राइट साइड में रखते हैं कर्सर को। द डिलीट अ पैराग्राफ, अगर पूरे पैराग्राफ को हमें डिलीट करना है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सेलेक्ट इट द प्रेस आइदर द डिलीट की आर द बैक स्पेस की, ठीक। सेलेक्ट अ पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक, और उसके बाद प्रेस आइदर डिलीट की, डिलीट की को प्रेस कर दें या बैक स्पेस की को प्रेस कर दें, ठीक। टॉपिक हमारी है यूजिंग द अंडू एंड रीडू ऑप्शन। अंडू क्या है कि मान लो हमसे कोई गलती हो गई है और हम चाहते हैं कि पहले वाला हमारा सही था, तो उस कंडीशन में हम अंडू का यूज करते हैं। अंडू का शॉर्ट की हमारा होता है कंट्रोल प्लस जेड, शॉर्टकट की। एंड रीडू के लिए क्या करते, रीडू क्या होता है कि मान लो हम दोबारा वापस तो आ गए, फिर लगा नहीं नहीं वो वाला ही सही था, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फिर रीडू करते हैं, ठीक। द अंडू ऑप्शन इज यूज टू कैंसिल द लास्ट एक्शन, जो हम जस्ट जो काम कर रहे हैं उसके जस्ट पहले का जो एक्शन है उसे हम कैंसिल करने के लिए अंडू का यूज करते हैं। रीडू का क्या, रीडू ऑप्शन इज यूज टू कैंसिल द एक्शन ऑफ द अंडू ऑप्शन, और इसे जो अंडू कर चुके हैं उसको फिर वही करने के लिए हमें क्या करना होता है, रीडू का यूज करते हैं। कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, ठीक, अगर कोई चीज हमें कॉपी करनी है या मूविंग टेक्स्ट मतलब एक जगह से हमें दूसरी जगह उसे ले जाना है, ठीक। तो वर्ड अलाउज यू टू कॉपी द टेक्स्ट दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर डॉक्यूमेंट, जो कि आपके डॉक्यूमेंट में पहले से पड़ी हुई है और उसे आप कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या, इट टू द
अदर एरियाज ऑफ द डॉक्यूमेंट, कॉपी करके हम दूसरी जगह उसे ले जाना चाहते हैं, ठीक। जैसे एक जगह तो हमारा कोई चीज़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें दूसरी जगह भी चाहिए, तो वहाँ हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक। द कॉपी एंड द पेस्ट, एक जगह से हम कॉपी करते हैं और फिर उसे ले जाके दूसरी जगह, जैसे आप लोग कोई चीज़ कटिंग करते हैं और फिर वहाँ दूसरी जगह ले जाके पेस्ट करते हैं, तो वो तो कटिंग हो गई, लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी में वो चीज़ वहाँ तो रहती है, साथ में वो दूसरी जगह भी पेस्ट किया जाता है, ठीक। फॉर कॉपिंग टेक्स्ट टू अनदर लोकेशन फॉलोइंग दीज स्टेप्स, सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहला काम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करने के लिए पहले हम उसे सेलेक्ट करते हैं, दैट यू विश टू कॉपी, जो आप कॉपी करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन, फिर कॉपी ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ठीक। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके हम कॉपी ऑप्शन को क्लिक करते हैं, अब वो कहाँ होता है, होम पे होता है, ठीक। थर्ड, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एरिया, और फिर डॉक्यूमेंट एरिया पे क्लिक करते हैं, वेयर यू विश टू द पेस्ट, जहाँ आपको पेस्ट करना है फिर वहाँ जाके क्लिक करते हैं, और वहाँ पे क्या, क्लिपबोर्ड से ही होम ऑप्शन में ही आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, और फिर वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली टॉपिक को अगले वीडियो में कवर